दोस्तों, अगर आप मध्य प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो एमपी परीक्षा ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दी गई है। यहाँ पर आपको एमपीपीएससी की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिलेगी और पीईबी की शिक्षक वर्ग 2 वर्ग 1 की टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर उपलब्ध है। और अगर आप व्यापम की टेस्ट सीरीज परचेस करना चाहते हैं और उस पर 50% का लाभ लेना चाहते हैं तो हमारा कोड यूज कर सकते हैं GURDPEB50। और MPPSC की टेस्ट सीरीज पर आपको 25% की छूट मिलेगी अगर आप हमारा कोड यूज करते हैं GURDPSC25। दोस्तों, अब आप मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं। फॉलो करने के लिए लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। यहाँ पर आपको विज्ञान वर्ग 2 और बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र वर्ग 1, 2 और 3 के लिए 2 कोर्स मैंने बना दिए हैं। इसके अतिरिक्त सामान्य अंग्रेजी, सामान्य हिंदी का कोर्स भी अभी अवेलेबल करा दे रहे हैं, तो 4 कोर्स आपके लिए हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त एमपीपीएससी के लिए डेली करंट अफेयर्स का कोर्सेज भी हम लोग यहाँ पर लेके आने वाले हैं। तो जल्दी से जाइएगा, यहाँ पर फॉलो कर लीजिएगा और जो भी अभी कोर्सेज हैं उनमें एनरोल जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, ये जो खबर निकल के आ रही है शिक्षक भर्ती से निकल के आ रही है, बीएड में छूट ना मिलने से आरक्षित वर्ग के हजारों आवेदक परेशान। हालांकि ये काफ़ी पहले से परेशान है लेकिन ये आज की न्यूज़ है। मध्य प्रदेश की स्कूल शिक्षक भर्ती परीक्षा में मंत्री की घोषणा के बाद भी प्रदेश के आरक्षित वर्ग के आवेदकों को बीएड की छूट नहीं मिली, इससे प्रदेश के हजारों आवेदक परेशान हो रहे हैं। ये देखिएगा, डीबी स्टार की ग्वालियर की आज की खबर है। सामान्य प्रशासन मंत्री लाल सिंह आर्य ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश के SC ST आवेदकों को माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा व उच्चतर माध्यमिक शिक्षक परीक्षा में BEd कोर्स की छूट देने की घोषणा की थी, लेकिन इस घोषणा को कैबिनेट की मंजूरी नहीं मिल सकी। इस कारण आरक्षित वर्ग के वे ही आवेदक शिक्षक भर्ती परीक्षा का फॉर्म भर पाए जिन्होंने BEd किया था। शिकायतकर्ता के चौहान के अनुसार, हम मंत्री लाल सिंह आर्य की घोषणा के बाद इस इंतजार में थे कि SC ST वर्ग के छात्रों को BEd कोर्स की छूट मिलेगी, लेकिन PEB ने उन्हीं आवेदकों को मान्य किया जिनके पास BEd की डिग्री थी। इस मामले में PEB अफसरों का कहना है कि हमारे पास इस तरह का कोई आदेश नहीं है जिसमें आरक्षित वर्ग के आवेदकों को BEd कोर्स से छूट दी जाए। तो ये पूरी खबर है यहाँ पर, और देख लेते हैं कि उनका क्या कहना है जिन्होंने शिकायत की है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए, ये उनका कहना है कि आरक्षित वर्ग के आवेदकों को अवसर मिले। तो ये उनका कहना है कि सामान्य प्रशासन मंत्री जी ने जो चुनाव से पहले घोषणा की थी और SC ST वर्ग के आवेदकों को BEd कोर्स में छूट दी जाएगी, लेकिन PEB ने इस तरह का कोई सुविधा आवेदकों को नहीं दी है, तो ये मांग कर रहे हैं कि उनको भी शामिल किया जाए। अब तो खैर परीक्षा के फॉर्म भी फिल हो गए हैं, सब कुछ हो गया है, अब देखते हैं इसमें आगे क्या होने वाला है। अभी तो इलेक्शन रिजल्ट्स भी आने वाले हैं। चलिए, मैं अब हम लोग बात कर रहे थे आपके एग्ज़ाम के बारे में कि आपके एग्ज़ाम की डेट वगैरह बढ़ सकती है कि नहीं बढ़ सकती। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हाई स्कूल का जो एग्ज़ाम डेट है ये आपकी 29/12/2018 से स्टार्ट होना है, और मिडिल स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है ये 19 जनवरी 2019 से प्रारंभ होना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो संशोधित जो नियम पुस्तिका जारी हुई थी, जो कि जिसमें जनजातीय कार्य विकास विभाग के पद भी शामिल कर लिए गए थे, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं डेट जो है 29 दिसंबर से हाई स्कूल की प्रारंभ होना है, मतलब हाई स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होना है वो 29 दिसंबर से प्रारंभ होना है। और अगर हम बात करें तो परिणाम जो है चुनाव के वो 11 दिसंबर तक आने हैं, और लगभग यहाँ पर एक हफ्ते पहले PEB जो है एडमिट कार्ड जारी कर देता है। तो अभी अगर हम बात करें 29 दिसंबर की, तो अभी यहाँ पर अगर बात करें तो लगभग 21-22 दिसंबर तक ही हमें क्लियर हो जाएगा कि जो है एडमिट कार्ड आ जाएंगे। तो क्या आपकी परीक्षा 29 दिसंबर से ही होगी या फिर आपकी जो है परीक्षा की तिथि आगे बढ़ेगी? वैसे अगर मैं आपको बताऊँ तो इलेक्शन के बाद ही PEB पर अपडेट्स आने लगेंगे कि परीक्षा तिथि आगे बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है, पर अभी के लिए आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कंटिन्यूसली करना चाहिए, तो यही आपके लिए बेहतर रहेगा अभी के लिए। और एग्ज़ाम डेट हो सकता है बड़ी
या हो सकता है एग्ज़ाम सही समय पे हो जाए। वैसे पीईबी ने पिछली बार जो पीईबी की तरफ से बयान जारी किए गए उनमें यही कहा गया है कि सिर्फ यहाँ पर परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि में बदलाव किया जा रहा था बार बार, एग्ज़ाम डेट पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि एग्ज़ाम डेट वही रहेगी। तो ये पूरी जानकारी आपके लिए निकल के आ रही है, और अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी पर जाके फॉलो कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दी गई है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।